सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे महान क्षत्रिय संत यानी कि हजरत बाबा का इतिहास बताने जा रहे हैं जिनके आगे पूरा कश्मीर झुकता है। तो भाइयों, उस राजपूत बाबा का नाम है हजरत शेख उल आलम। तो भाइयों, हजरत शेख उल आलम एक राजपूत थे, सेन राजपूत थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जम्मू हिमाचल के जो सेन राजपूत हैं वो असली राजपूत हैं, मियां राजपूत हैं। किश्तवाड़ सेन राजपूतों की रियासत है जम्मू कश्मीर की, और इसके अलावा हिमाचल में उनकी दो रियासतें हैं। तो भाइयों, हजरत शेख उल आलम के पिता का नाम सलार संज था। तो भैया, राजा विक्रमजीत हुए हैं जो कि किश्तवाड़ के राजा थे, उनके आगे 25वीं पीढ़ी में राजा हुए राजा सलार संज। तो भैया, राजा सलार संज ही वे राजा थे जब वो किश्तवाड़ के राजा बने, तो वो वहां से निकलकर आज के बड़गाम यानी कि कुलगाम वाली साइड चले गए। तो भैया, कुलगाम में वे रहे और किश्तवाड़ का जो अगला राजा था वो कोई क्षत्रिय सिंह बन गया। तो भाइयों, कुलगाम जाने के बाद किश्तवाड़ के आगे कश्मीर पड़ता है, वो कुलगाम की तरफ गए तो वहाँ पर वो रहे और किसी सी सूफी बुजुर्ग के हाथों उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो भाइयों, उसके बाद उनके बेटे हुए हजरत शेख उल आलम। हजरत शेख उल आलम इतने बड़े बादशाह बने कि कश्मीर के हर लोग उनको जानने लगे, उनके इतने मुरीद बन गए वो कि आप सभी देखिए कि राजपूत क्षत्रिय जिस भी धर्म में जाता है तो उसके मुरीद पूरी दुनिया बन जाती है। कि जब कश्मीर पर अफगानों का राज हुआ तो अफगानी जो था उसने उनके नाम के सिक्के तक रिलीज कर दिए, सिक्के तक बना दिए उसने उस राजपूत बाबा के नाम से। तो भाई, 1947 के बाद भी आज भी कश्मीरी लोग अगर किसी के आगे झुकते हैं तो वो सिर्फ इस राजपूत बाबा के आगे झुकते हैं। तो भाइयों, आप सभी देख सकते हो कि आज भी श्रीनगर हम पिछले 5 साल पहले हजरत बाबा शेख उल आलम राजपूत जोधा पर कर दिया गया है। तो भाइयों, इसके अलावा आप सभी देख सकते हो कि श्रीनगर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च जो प्रोग्राम है और पूरी एक पोर्शन जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का शेख उल आलम बाबा के नाम पर कर दिया गया है। तो भाइयों, सेन राजपूत पांडवों के वंशज हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। बंगाल हारने के बाद वो जम्मू हिमाचल की तरफ आगे थे और जहाँ पर उन्होंने काफ़ी रियासतें बनाई, और उनके ही आगे पीढ़ी से जे हजरत बाबा जी हुए जिनको पूरा कश्मीर तमस्तक होकर झुकता है।